प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कृपया इसका उपयोग करें। सोमनाथपुरा तो वेलकम टू सोमनाथपुरा और फिलहाल मैं आ चुका हूँ मैसूर में। मैसूर से सोमनाथपुरा तकरीबन पड़ेगा 43-44 किलोमीटर दूर और यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको मैसूर सेंट्रल बस स्टैंड से आपको आना पड़ेगा बेन्नूर और बेन्नूर से सोमनाथपुरा एक्चुअली पड़ता है तकरीबन 7 किलोमीटर और बेन्नूर ही बस स्टॉप पे एक बस स्टैंड है वैसे वहाँ से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी सिटी बस रहती है तो आपको यहाँ पहुँचा देगी तकरीबन 12 रुपए में। तो मैसूर से बेन्नूर का किराया तकरीबन पड़ा 34 रुपए और बेन्नूर से यहाँ किराया तकरीबन 12 रुपए और टोटल टाइमिंग लगी दोनों मिला के तकरीबन एक घंटा क्योंकि आराम से बसें चलती हैं। सुबह की टाइमिंग यहाँ की है 8:30 से 5:30 बजे तक यानी सुबह 8:30 से 5:30। और अभी मैं अंदर गया हुआ था श्री केशव टेम्पल में। एक्चुअल में सोमनाथपुरा एक सोमनाथ दंडनायक करके जनरल था होशल वंश से बिलोंग करता था वो तो उन्होंने यहाँ पे एक गांव बसाया और अपने पिताजी के नाम यानी सोमेश्वर और अपने भाई के नाम यानी रामनाथ दोनों को कंबाइन करके सोमनाथ और सोमनाथपुर सोमनाथपुरम जो भी आप बोल रहे हैं ये सोमनाथ पुर गांव है जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है और यहीं पे है श्री केशव टेम्पल या चन्ना केशव टेम्पल। चन्ना केशव का मतलब होता है चन्ना का मतलब यहाँ पे कन्नड़ भाषा में खूबसूरत सुंदर प्यारा मासूम और केशव का मतलब होता है कन्हैया श्री कृष्ण विष्णु जी। तो चन्ना केशव टेम्पल एक्चुअली वैष्णव संप्रदाय या विष्णु जी के ऊपर डेडिकेटेड है और यहाँ पे आप श्री कृष्ण जी की और उनके जो पूर्व अवतार रहे हैं उन सब के विषय में यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं स्पेशली रामायण काल और महाभारत काल के विषय में। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि मैसूर से ये तकरीबन 42-43 किलोमीटर दूर है। अंदर वीडियोग्राफी एक्चुअली मना है तो अंदर वीडियोग्राफी आप कर नहीं सकते। अगर आपके पास DSLR वगैरह है तो आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं सेल फ़ोन से वीडियो बना सकते हैं और सेल फ़ोन से ही आप फ़ोटो खींच सकते हैं कैमरा वगैरह से आप वीडियो नहीं बना सकते। स्पेशली मैं बीच बीच में डालता रहूँगा क्योंकि मैंने सेल फ़ोन से फिर वीडियो बनाया। खासकर सीलिंग का जो आर्किटेक्ट है वो काफ़ी यानी काफ़ी क्या बोल सकता हूँ मैंने आज तक इस तरह की सीलिंग में कार्विंग कभी नहीं देखी। और ये तकरीबन बना था ये 1255-1258 के बीच में। तो सोमनाथपुरा ये छोटा सा जो गांव है इसका चन्ना केशव टेम्पल जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ने उस टाइम पे होशल वंश के साम्राज्य में आके बनाया था। दूसरी बात ये है कि ये जो गांव है बहुत खूबसूरत है एकदम गांव जैसा ही लगता है। ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई आसपास पूरा शहर टाइप का बसा हो पूरा। हाँ ये सोमनाथपुर जो है जहाँ पे पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पे आप आसपास कई सारे पक्के मकान वगैरह पा जाएंगे लेकिन बाकी आप देखो चारों तरफ पूरा खेत ही खेत है। अच्छी बात यह है कि सड़क जो है एकदम पक्की है लेकिन वहाँ से आपको लौटना है बेन्नूर की ओर तो वहाँ से आपको बस जस्ट उसी के सामने है मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे ही मेन रोड चालू जाएगी। ये रोड जो रोड है वो चन्ना केशव टेम्पल से डायरेक्ट जुड़ती है वहीं पे आप खड़े रहिए गेट रोड के पास और इंतज़ार करते रहिए। मैं तो इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चल रहा हूँ चलना अच्छी बात है। चन्ना केशव जो टेम्पल है उसे सोमनाथ दंडनायक ने बनवाया था बट वो एक्चुअली में जनरल थे यानी सेनापति थे नरसिंह तृतीय के और नरसिंह तृतीय के बाद आते हैं वीर भल्लाल देव। वीर भल्लाल देव एक्चुअल में होशल वंश के अंतिम शासक थे और 1200
के 92 के करीब नरसिंह तृतीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वीर भल्लाल देव आते हैं तब उन्हीं के काल में खिलजियों का शासन दिल्ली में शुरू हो जाता है। खिलजी एक्चुअल में होसल वंश पे आक्रमण करने वाले पहले माना जाता है ऐसा कि दिल्ली के शासक यानी सुल्तान थे। खैर उसके बाद होता ये है, ये देखिए बस जा रही है, एक्चुअल में होता ये है कि मलिक काफूर, काफ़ी नाम सुना होगा आपने, अगर पद्मावत एक मूवी आई हुई थी आपने देखी होगी, तो उसमें एक मलिक काफूर रहता है जो अलाउद्दीन खिलजी का जोरू रहता है। एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी का साथी रहता है और काफ़ी पारंगत योद्धा भी रहता है। तो मलिक काफूर को दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। सबसे पहले देवगिरी के यादव को हराता है मलिक काफूर, उसके बाद वो काकतिया पे आक्रमण करता है, उसके बाद होशल पे। तो ये काकतिया, होशल और देवगिरी तीनों एक्चुअली एक समय में कल्याणी के चालुक्यों के अधीन थे, और जब कल्याणी के चालुक्य जब टूट गए, ख़त्म हो गए, तो ये तीन हिस्सों में बट गए। सबसे जो दक्षिण वाला हिस्सा था जो कि द्वार समुद्र वाला हिस्सा था, तो ये होशल के अधीन आ गया। तो होशल द्वार समुद्र के आसपास यानी दक्षिण कर्नाटक के आसपास बसा करते थे, जिनकी बॉर्डर खींचते खींचते फिर उत्तर कर्नाटक तक पहुंच गई थी। आप नाम सुने होंगे होसपेट, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में इसमें प्रेजेंट टाइम में है, और होसपेटे या होसपेट नाम से है। तो होसपेट उस वक्त वीर भल्लाल देव ने शहर बसाया था, और उन्हीं के अधीन होके फिर आगे चल के हरिहर और बुक्का नाम के दो जो भाई रहते हैं वो फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये कहानी थी होशल वंश की। अब आते हैं टेम्पल के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, वो 1311 के समय यहाँ पे आता है और मंदिर को पूरी तरह से तोड़ देता है। पूरी तरह थोड़ा बहुत बचा रहता है लेकिन तोड़ देता है, खंडित कर देता है यहाँ की सारी मूर्तियाँ। बाद में फिर होशल वंश जो आखिरी शासक थे वीर भल्लाल देव, फिर बाद में उन्होंने इसे फिर से बनवा दिया था। लेकिन फिर होता ये है कि लगभग 8 साल बाद दिल्ली पे नए वंश का शासन चालू हो जाता है यानी तुगलक वंश का, और लगभग 1326 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आक्रमण करते हैं सेना भेज के, और फिर से मंदिर को तोड़वा देते हैं। तो दो बार मंदिर टूटता है और फिर वीर भल्लाल देव फिर से इस मंदिर को बनवा देते हैं। वीर भल्लाल देव लगभग 1342-43 तक जीवित रहते हैं, लगभग 43 तक आप बोल सकते हो, जब तमिलनाडु के जो सुल्तान थे उनके द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया था एक युद्ध में। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और होशल जो वंश है वो उनके बेटे यानी 1346 तक आते आते पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और उन्हीं के जो डिब्रीज रहते हैं यानी खंडर रहते हैं उन्हीं के ऊपर एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। खैर विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर बुक्का थे वो एक्चुअली में वीर भल्लाल देव के अंडर रह के कार्य कर रहे थे, और वीर भल्लाल देव ने ही उन्हें उत्तर कर्नाटक का हिस्सा दिया था ताकि वो बहमनियों से और दिल्ली के सुल्तानों से लड़ सके, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। तो दक्षिण में जब वीर भल्लाल देव पकड़े जाते हैं, तमिलनाडु के सुल्तान रहते हैं मदुरै और तंजावुर में बैठे रहते हैं, तो वो सब बोल देते हैं कि तुम मुझे सारा धन दे दो, हम तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे। ये सब होता है लगभग 1343 के समय आसपास। तो जो वीर भल्लाल देव के बेटे रहते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है दे देंगे तुमको, तुम पहले एक काम करो हमारे पिता को छोड़ दो, और शर्त मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेशन कर दो कि भाई हाँ छोड़ देंगे धन देने के बाद। तो सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और देते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, पैसा भी ले लेते हैं और वीर भल्लाल देव को मार भी देते हैं, और उनकी जो सेना रहती है यानी तमिलनाडु के जो सूबेदार सुल्तान रहते हैं वो फिर वीर भल्लाल देव के बेटे का भी पीछा करते हैं और 1346 के आसपास उनको भी पकड़ लेते हैं और उनको भी मार देते हैं। लेकिन उत्तर कर्नाटक में हरिहर और बुक्का दोनों एक्चुअली में काफ़ी शक्तिशाली हो चुके होते हैं, और हरिहर तो शुरू में उत्तर से आने वाले जितने भी शासक होते हैं उनसे लड़ते लड़ते जीतते जीतते अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब बुक्का की बारी आती है शासन करने की, उन्हें उनके भाई की आती है, तो बुक्का दक्षिण भारत में आके उन सारे तमिलनाडु के जो सुल्तान रहते हैं जो कि दिल्ली के अधीन रहते हैं उनको हरा के वीर भल्लाल देव का बदला भी चुका लेते हैं। और फिर बुक्का जो कि हरिहर के छोटे भाई थे वो तमिलनाडु से दिल्ली के सूबेदारों को भगा देते हैं। चेन्नकेश्वर टेम्पल के बारे में बात करें, जब आप चेन्नकेश्वर टेम्पल में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे बाहर काफ़ी सारी कार्विंग्स हैं, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, खासकर आप देखोगे कि नीचे मंदिर के प्रांगण में ही बाहर की दीवारों में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्कल्पचर बने हुए हैं, कोई घोड़े में बैठा हुआ है, कोई पूजा पाठ कर रहा है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में सबसे निचली तरफ
रामायण काल का ही एक वर्णन किया गया है। पूरा गोल आप चक्कर लगाओगे तो आप नीचे वाली लाइन, कुल मिला के चार परतें बनाई गई हैं, 1, 2, 3, 4, तो कुल मिला के चार और सबसे ऊपर वाले पांचवी लेयर। तो पांचवी लेयर बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो छोटी छोटी लेयर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो सबसे नीचे वाले में एक्चुअल में रामायण काल। तो रामायण काल में सबसे पहले दशरथ जी को दर्शाया गया उसमें, कि दशरथ जी पूजा करते हैं, उनको चाहिए थी संतानें, तो राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में मिलती है। उसके बाद राम लक्ष्मण जाते हैं आश्रम में, जहाँ पे वो विद्या ग्रहण करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कैसे वहाँ पे असुरों का संहार भी करते हैं। उसके बाद दिखाता है कि राम जी कैसे शिव धनुष तोड़ते हैं, उनका सीता जी से विवाह होता है, और उसके बाद फिर वो वनवास के लिए निकलते हैं। और वनवास से पहले जनक के दरबार दिखाया जाता है, जहाँ पे माता सीता राम जी को चुनती हैं। साथ में सुरपनखा की नाक काटना भी बताया जाता है कि कैसे सुरपनखा का नाक कैसे काटी जाती है। और फिर आगे चल के यही दिखाया जाता है कि रावण जो है सीता माता का हरण करते हैं। अच्छा, पूरा रामायण काल नहीं दिखाया जाता, उसमें यहाँ तक दिखाया जाता है कि सुग्रीव से कैसे मिलन होता है। पिछले वीडियो में जब अगर आपने हम्पी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें सुग्रीव की गुफा वगैरह मैंने आपको दिखाई थी। तो अगर आपने देखा तो आप पिछला व्लॉग एक बार चेक जरूर कर ले, वहाँ पे सुग्रीव की गुफा और बाकी जो स्टोरी है कैसे मिलन हुआ वो सब उसमें मैंने बता रखा हुआ है, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये जो एक पट्टी है, पाँच पट्टियों में से एक, उसमें एक रामायण की पट्टी है सबसे नीचे वाली, उसमें रामायण काल के विषय में बताया गया है। दूसरा है महाभारत के विषय में, तो महाभारत काल के विषय में, और तीसरा जो बताया गया है भागवत धर्म के विषय में, यानी स्पेशली श्री कृष्ण के बारे में। तो महाभारत के विषय में जो बताया गया है वो ये है कि वहाँ पे धृतराष्ट्र का एक दरबार लगता है। धृतराष्ट्र के ही दरबार में होता है चौपड़ का खेल, जिसमें एक्चुअल में पांडव हार जाते हैं और उन्हें देश निकाला दे जाता है और वो भटकते रहते हैं वगैरह वगैरह। बट उसके बीच में भी कई सारी चीज़ें भी बताई गई हैं, एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस से नहीं बताया गया बट बताई गई हैं, जैसे कि अर्जुन जाते हैं और द्रौपदी को विजित कर लेते हैं। एक्चुअल में उन्हें दरबार लगता है जहाँ पे स्वयंवर होता है, जहाँ पे मछली की आंख में निशाना लगाना होता है। तो अर्जुन मछली की आंख पे निशाना लगाते हैं और उस वक्त द्रौपदी के लिए परफेक्ट वर बन जाते हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई उस मछली पे निशाना नहीं लगा पाता। और उसके बाद फिर जब लौटते हैं तो वो पांडव की पत्नियाँ हो जाती हैं द्रौपदी जी, और फिर होता है चौपड़ खेल। ये प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें फिर दुर्योधन और दुशासन मिलके छल करते हैं, जिसमें शकुनी भी शामिल रहते हैं, और फिर देश निकाला होता है। देश निकाला होने के बाद वो वनवास जाते हैं, वनवास से जब लौटते हैं तो फिर से क्लेम करते हैं, और जब उन्हें क्लेम में कुछ नहीं मिलता तो फिर होता है महाभारत का युद्ध। तो ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। और तीसरी जो पट्टी है वो भागवत धर्म से बिलोंग करती है, यानी इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण जी, जिनकेश्वर जी का मंदिर, वो एक्चुअल में भागवत धर्म से ही बिलोंग करता है, यानी वैष्णव धर्म से बिलोंग करता है। तो कैसे श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, कैसे वो नदी पार करते हैं, कैसे वहाँ पे वासुकी जी आते हैं और उनको छांव देते हैं, और जब नदी पार हो जाती है तो कैसे फिर कई सारे राक्षसों का वध करते हैं, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, जब आप मंदिर के अंदर इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा रोशनी कम रहती है, बाहर जो है रोशनी ज़्यादा लगती है। तो अंदर की ओर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर की ओर देखें, तो ऊपर की ओर जो सीलिंग बनी हुई है उसका जो आर्किटेक्ट है, मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, वो अतुल्य है प्रेजेंट टाइम में। आज के समय में भी मशीन से बनाना, वो भी एक ही पत्थर में काव करना, छोटी सी गलती होने पे पूरा कैरियर बर्बाद हो जाना, किसी भी आर्किटेक्ट को उस वक्त पेंशन भी नहीं मिलती थी, तो कैसा रहा होगा, कैसा टेंस रहा होगा, कैसे बनाते होंगे। तो एक तरह से साइंस का विषय ही है कि भाई कैसे आखिर उन्होंने कंप्लीट कर लिया ये सब। खैर, हर एक सीलिंग एक्चुअली दूसरी सीलिंग से डिफरेंट है। अंदर जो कार्विंग की गई है स्तंभों में, सामने सामने देखा जाए तो हर स्तंभ अलग अलग डिज़ाइन का है। नेक्स्ट स्तंभ में बीच में एक मेन मंडप है, तो मेन मंडप पे जहाँ पे डांस वगैरह होता था और पूजा पाठ वगैरह होती थी। उसके बाद गर्भगृह है। अच्छा, जो मूर्ति है अंदर वाली वो एक्चुअली मेन में केशव वाली है, जिसमें वो बांसुरी वादन कर रहे हैं। सेंटर में जो सेंटोरम यानी गर्भगृह में, वो एक्चुअली श्री कृष्ण जी की है, जिसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ और साउथ दो हिस्से भी हैं, जिसमें साउथ साइड एक्चुअल में
लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, और जो नॉर्थ है वो एक्चुअल में जनार्दन विष्णु जी की। लक्ष्मी नारायण लगभग 8x8 की पूरी कंप्लीट मूर्ति वगैरह अंदर का पूरा हिस्सा है, जिसमें वो कई सारे रत्न और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। और जनार्दन विष्णु जी की भी मूर्ति है, तो विष्णु जी के हाथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर उनका हाथ, उनके हाथ यानी बाएं हाथ की जो कार्विंग है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मैकेनिकल रोबोटिक हैंड है। टेक्नोलॉजी आज के समय में देखा जाए तो उसकी तरह मैच कर रही है, जैसे कि आज के ज़माने में रोबोट कार्विंग करते हैं, सेम वैसा ही है। खासकर उनकी उंगलियों में जब जहाँ पे वो गदा पकड़े हुए, नीचे गदा रखा हुआ, दंड रखा हुआ है, तो वो दंड के ऊपर जो उनका हाथ रखा हुआ है, उनमें जो अंगूठियाँ वो पहने हुए हैं, एकदम परफेक्शन की तरह बनाई गई। और आज भी यानी लगभग 750 वर्ष बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं जैसे ही वो लगा करती थी पहले। बताया जाता है वो खंडित की जा चुकी थी, लेकिन दोबारा उसे बाद में बनवा दिया गया। तो तीन मेन मूर्तियाँ हैं, जनार्दन जी की, लक्ष्मी नारायण जी की और श्री कृष्ण जी की। तो वापस पहुंच चुके हैं बेन्नोर बस स्टैंड अपना चेन्ना केशव टेंपल से। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। तो अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।